आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस चैनल पर मैं कृषि कानूनों पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों की कई समय से मांग भी रही है उसी मांग के तहत मैं अपना ये रिप्रेजेंट आपके सामने कर रहा हूं। कृषि से संबंधित जो कानून है वो तीन चर्चा में है लेकिन ध्यान रहे नए कानून दो ही है एक कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 उसमें संशोधन किया गया है इसके कई मेरिट है डिसमेरिट है मतलब फायदे हैं नुकसान है मैं दोनों ही बातों को साथ लेके चलूंगा और मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि इनका विरोध कितना जायज है कितना नाजायज है सब बातों को हम देखेंगे आप भी अपने विचार रखें जो भी बातें होती है किसानों को कितना फायदा है कितना नुकसान है हालांकि भारत में जो पुराने एक्सपीरियंस है पुराने जो अनुभव है वो इन कानूनों को नकारते हैं क्योंकि पुराने अनुभव अच्छे नहीं रहे भारत में कई राज्यों ने इससे संबंधित जो है नियम बनाए थे पहले से ही लेकिन वो इतने कारगर साबित नहीं हुए क्योंकि होता क्या है हम लोग जैसे अमेरिका से तुलना करते हैं हम किसी की भी बात को अमेरिका से तुलना करने लग जाते हैं कि अमेरिका में ऐसा हुआ या हम कहते हैं फ्रांस में ऐसा हुआ दोस्तों ये बहुत गलत बातें होती है ये ठीक उसी तरीके से होती है कि जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हो ये कभी सही नहीं हो सकती और सामान्यतः ऐसी होती भी नहीं है कारण आपकी स्थिति अलग है आपके दोस्त की स्थिति अलग है उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है आपकी स्थितियां अलग है उसकी स्थितियां अलग है दोनों के पैमाने में फर्क होता है ठीक इसी तरीके से अमेरिका का अपना सिस्टम है वहां यदि निजीकरण फायदेमंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं निकलता है कि वह भारत में भी फायदेमंद होगा क्योंकि अमेरिका की अपनी स्थिति है भारत की अपनी स्थिति है आप दोनों को लेकर नहीं ले सकते वो अपनी स्थितियों के आधार पर डिसीजन लेता है और हमारी स्थिति हमारे हिसाब से डिसाइड होती है तभी हम एक सही निर्णय ले सकते हैं आप सिंपल शब्दों में यह भी कह सकते हो कि दूसरों को देखकर अपना डिसीजन नहीं लिया जा सकता क्योंकि दूसरे की कंडीशन और आपकी कंडीशन में फर्क है तो शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि कृषि विपणन से संबंधित जो हम ये एक्ट लेकर आ रहे हैं फायदा नुकसान विरोध ये किस स्थिति में है कितना सही है कितना गलत है ये न्यूजपेपर में आप पढ़ रहे होंगे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है तो दोस्तों इसी दिशा में अब मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूँ हमारा जो आज का जो प्रोजेक्ट है जो आज का जो लेक्चर है वो कृषि से संबंधित जो नए कानून बने हैं उससे रिलेटेड है अब उसमें कई बातें और भी आएगी जैसे कृषि कीमत आयोग जिसका 1985 में नाम बदल दिया गया था जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस डिसाइड करता है वो सब शब्द आएंगे उन शब्दों को मैं बाद में लेके चलूंगा लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वो एक्ट क्या थे अभी 2020 की बात है ये तो उन एक्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं उन ध्यान से सामने काफी विवादित रहे थे और इनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं तो ये हमें ये संकेत देते हैं कि इन पर क्वेश्चन बन सकता है लेकिन क्वेश्चन बनेगा कैसे ये बहुत गंभीर बात होती है देखते हैं हेडिंग है डाल दीजिए कृषि विपणन संबंधी अधिनियम आप कह सकते हो एक्ट रिलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर मार्केटिंग मार्केटिंग से संबंधित है एग्रीकल्चर कृषि उत्पादों की मार्केटिंग से संबंधित है ये एक्ट इन एक्ट को पढ़ेंगे उसके बाद में हम न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कौन घोषणा करता है कैसे किया जाता है कैसे क्वेश्चन बने हुए उसकी बात हम बाद में करेंगे पहले हम एक्ट को पढ़ेंगे ताकि हम समझ पाए कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है आइए पहला एक्ट लिखिए एक तो ये तीन एक्ट थे जो ज्यादा चर्चा में रहे तीन है हालांकि एक, एक एक्ट में संशोधन किया गया था वो पहले से ही बड़ा हुआ था पहला लिखिए कृषि उपज वाणिज्य व व्यापार ब्रेक्ट में लिखना संवर्धन व संरक्षण अधिनियम अधिनियम मतलब एक्ट 2000 पीस। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं द फार्मर्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस मतलब उपज कॉमर्स एंड ट्रेड प्रोमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट दो हजार बीस ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं द फार्मर प्रोड्यूस कॉमर्स एंड ट्रेड प्रोमोशन एंड फैसिलिटेजेशन फैसिलिटेशन मतलब सुविधा इस संरक्षण के स्थान पर आप सुविधा कर लीजिए देखिए ये एक्ट चर्चा में रहे इस कारण से ये पूरा एक्ट आपको याद रखना पड़ेगा इसका नाम याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि इस एक्ट में जो प्रावधान दिया गया है उसका संबंध किस एक्ट से है किस अधिनियम से है ये पूछा जाएगा क्योंकि काफी चर्चा में रहा क्या है इस एक्ट में पहले लिखिए फिर समझाता हूं इसके तहत किसान अपनी उपज को देश में कहीं भी किसी भी संस्था या व्यक्ति को बेच सकते हैं समझिए इस चीज को किसान जो अपनी फसल बोता है उस फसल को वो किसी को भी बेच सकता है वो उसकी मर्जी पर डिपेंड है चाहे किसी संस्था को बेचे चाहे किसी व्यक्ति को बेचे इसके लिए किसान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अब क्या यह स्वतंत्रता पहले नहीं थी बात ही आती है तो पहले क्या होता था जैसे राज्यों में एक समिति होती है वो समिति क्या करती थी कृषि बाजार का निर्धारण करती थी और किसान उसमें वो बेचता था उसके लिए किसान बाध्य भी होता था बाहर लेके जाता तो उसको टैक्स की भरमार पड़ती इस कारण से वो उन कृषि मंडियों में या उन मतलब सरकार के द्वारा डिसाइड जो संस्थान थे उनमें बेचने के लिए वो बाध्य था तो उस बाध्यता से इसको छुटारा मिल छुटकारा मिला है ब्रेक में एक बात लिख दीजिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं मंडी में किसानों को फसल बेचने की बाध्यता समाप्त मंडी में किसानों को फसल बेचने की बाध्यता समाप्त मतलब पहले बाध्यता होती थी वो समाप्त हो गई अब देखिए अब ये बात आती है आप इसको और किस रूप में कह सकते हो कौन सी अवधारणा पर है ये एक देश एक कृषि बाजार समझे बात को की अवधारणा एक देश एक कृषि बाजार की अवधारणा यह काम की बात आप यहां से क्वेश्चन बनता है कैसे बनेगा आपसे कहेगा निम्न में से कौन सा अधिनियम एक देश एक कृषि बाजार को रिप्रेजेंट करता है या उसकी अवधारणा पर आधारित है ऐसे बनेगा क्वेश्चन इसलिए मैंने वहां टिक कर दिया है आपको तो एक देश एक कृषि बाजार कृषि उपज वाणिज्य व्यापार ब्रेक में संवर्धन व सुविधा अधिनियम 2020 या इसको सीधा भी कहा जा सकता है कृषि उपज वाणिज्य व्यापार अधिनियम 2020 इसमें यह बात कही गई है अब और क्या बात है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर उपज की बिक्री पर लगान नहीं लिया जाएगा यह इस एक्ट के अंदर है अब देखो ये शानदार चीज है पहले क्या होता था जैसे किसान मंडियों में बेचता था तो जो बेचता था उस पर भी क्या है लगान लगता था लेकिन अब यदि किसान अपनी उपज बेचेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा लगान नहीं लगेगा पहले लगान लगता था तो इससे फायदा क्या हुआ एक तो किसान को लगान नहीं देना पड़ेगा इस कारण से उसकी उपज में क्या होगी बढ़ोतरी होगी मतलब किसानों को फायदा होगा दूसरा क्या होगा किसान अपनी फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है उसकी अपनी फसल है कहीं भी बेच सकता है वो तो ये बाध्यता समाप्त होगी तो ये दो मूल बातें हैं देखिए एक्ट बहुत बड़ा होता है उसके हर पहलू पर जाना आपकी तैयारी के लिए गलत साबित होता है उसकी थीम क्या है उसका आधार क्या है मेन बात वही होती जो मूल बात है वो वही होती है उसी को आधार बनाकर तो तो कम कम होता है और इससे भी हो ये तो। उसमें छुट लिखी होती है वहां नहीं जाना आपने एग्जाम की दृष्टि से बात करनी है और एग्जाम की दृष्टि में आपको थीम पता होनी चाहिए तो इसकी एक थीम हमारे सामने आ गई कि वाणिज्य व्यापार अधिनियम जो 2020 है वो ये कहता है कि एक देश एक कृषि बाजार बस ये दिमाग में रखिए फिर सारे डाटा क्लियर हो जाएंगे दूसरा टैक्स नहीं देना पड़ेगा लगान नहीं देना पड़ेगा किसान को और किसान अपनी फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं है क्लियर अब मैं थोड़े से इसके फायदे की बात करने जा रहा हूं फायदा एपीएमसी के विधानों से मतलब कानून से किसानों को मुक्ति मिलेगी अब एपीएमसी की मैं पूरी बात करूंगा लेकिन यहां मैं आपको थोड़ा सा इसका पूरा नाम ही बता दूंगा तो यह आप समझ जाओगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोड्यूस मतलब उपज मार्केटिंग कमेटी मार्केटिंग कमेटी आप इसको कह सकते हो कृषि उपज बाजार समिति ए सॉरी विपणन समिति विपणन समिति विपणन का मतलब आप समझते हो मार्केट से संबंधित है तो ये क्या नाम से देखो ऐसी समिति या ऐसी कमिटी या ऐसा समूह जो कृषि उपज जो है मतलब किसानों की जो उपज है उसकी मार्केटिंग से संबंधित है उसको बाजार उपलब्ध करवाने से संबंधित है कि वो कहां बेचेंगे आप ये कह सकते हो इसके आगे लिखो इसके माध्यम से राज्य सरकार कृषि उत्पादों के बाजारों को अधिनियमित करती है अधिनियमित करना मतलब रेगुलेट करती है अब यह करती है अब इस पर बाध्यता नहीं है अब ऐसा नहीं है कि यह समिति खत्म हो गई समिति खत्म नहीं हुई है समिति तभी तो भी, किसान चाहे तो यहां भी बेच सकता है लेकिन यहां पर किसानों को एक मौका दे दिया एक अलग से अधिकार दे दिया कि आप ये कर सकते हो क्लियर हुई बात सारी तो किसानों को एक और फायदा हो गया कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं पहले यह नहीं होता था पहले इसके माध्यम से आपको कृषि उत्पाद बाजार में बेचने होते थे किसान इसके लिए था इसलिए हमने कहा कि किसानों को फसल बेचने की बाध्यता समाप्त हो गई क्लियर हुई बात सारी दूसरा एपीएमसी की बात में बाद में भी करूंगा राज्य सरकार के रजिस्ट्रेड लाइसेंसधारियों को उपज देने की बाध्यता समाप्त उपज देने की बाध्यता समाप्त मतलब जैसे हम कोई फसल खरीदते हैं तो ऑब्वियसली बात है लाइसेंस लेना पड़ता है तो हमें उन्हीं को ही बेचनी पड़ती है जैसे पांच लोग हैं उन पांचों में से हमें बेचनी पड़ेगी अब वो नहीं है आप किसी को भी बेच सकते हो वो खत्म हो गया किसी भी संस्था को बेच सकते हो किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हो आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हो अब एक बात और बताऊं जैसे हम कहें एपीएमसी के विधान या कानूनों से किसानों को मुक्ति मिलेगी एपीएमसी क्या होती है राज्य सरकार किसी उत्पादों के लिए बाजार अधिनियमित करती है जैसे राजस्थान सरकार है तो अपना ये कृषि बाजार अधिनियमित करेगी हरियाणा सरकार है वो अपना कृषि बाजार अधिनियमित करेगी तो क्या हम ये नहीं कह सकते जब इससे बाउंडेशन हट गया तो विभिन्न राज्यों के मध्य कृषि उपजों का प्रवाह होगा हम राजस्थान से हरियाणा में जा सकते हैं हरियाणा वाले राजस्थान में आ सकते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण फायदा है इसका तो मैं चाहूंगा आप एक में लिखिए राज्यों के मध्य कृषि उपज का मुक्त प्रवाह होगा फ्री फ्लो इसको एक लाइन में आप ऐसे समझ सकते हो क्योंकि इससे मुक्ति मिल गई हमारी बाध्यता समाप्त हो गई तो एक राज्य से दूसरे राज्य में हम अपनी कृषि उपज को ले जा सकते हैं बेच सकते हैं हम कर सकते हैं पहले इसमें बहुत सारी बाधाएं हुआ करती थी वो सब बाधाएं दूर हो गई तो ये एक एक्ट है इसके माध्यम से ये बातें हुई है अब देखिए नुकसान क्या है एक छोटी सी बात करें भारत में लगभग पिचहत्तर परसेंट से ज़्यादा छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम या बहुत छोटी कृषि जोत है छोटी भूमि है अब आप अपने अपने गांव गा, में देख लीजिए छोटे छोटे किसान मिलेंगे आपको किसी के पास दस बीघा है किसी के पास पंद्रह बीघा है किसी के पास तीन बीघा ही है किसी के पास पाँच बीघा भी है अब वो जो है मार्केटिंग करने के लिए जैसे हम गंगानगर के हैं हम गंगानगर के कहते हैं हमें यदि मार्केटिंग करनी है तो हम हरियाणा क्यों जाएंगे उतना तो ट्रांसपोर्ट में खर्चा आ जाएगा इस कारण से ये नुकसानदायक है भाई बड़े किसानों के लिए फायदा साबित हो सकता है जिनके कि ट्रक लोड होकर जाते हैं छोटे किसान के लिए इसको कोई फायदा नहीं है किसको बेचेगा क्या करेगा वो वो अपनी यदि थोड़ी बहुत उसकी फसल हुई है उसको लेकर वो दूसरे स्टेट में क्यों जाएगा किसी संस्था के पास जाएगा वो अपने आसपास देना ही पसंद करेगा ना मंडियों में देना पसंद करेगा तो ये छोटे किसानों के लिए इतना ट्रकों में अपलोड होती है उनके लिए फायदेमंद हो सकता है तो जो भी है फायदा घाटा है आपके सामने मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है हाँ, फायदे में आप ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसान कहीं भी बेच सकता है लेकिन छोटे किसानों को इससे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद कम है क्लियर तो एक बार आप इसे राइट डाउन की मैं दूसरे एक्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं मूल्य मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती व सुरक्षा ब्लैक में समझौता व कृषि सेवा अधिनियम 2020 तो ये एक्ट और आ गया आपके सामने मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता व कृषि सेवा अधिनियम 2020 हजार बीस ये बात और आ गई मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता व मूल्य सेवा अधिनियम 2020 आइए क्या कहता है ये पहले उसकी लिखते हैं फिर चर्चा करेंगे द फार्मर्स पहले आप इंग्लिश में लिख दीजिए आप इसको एंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बंदोबस्ती सुरक्षा एग्रीमेंट इज एजुरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, हजार द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइज एजुरेंस मतलब मूल्य आश्वासन एंड फार्म सर्विसेज कृषि सेवा कृषि सेवा और मूल्य आश्वासन एजुरेंस मतलब आश्वासन पर किसान समझौता किसके लिए है इंपावरमेंट किसानों को इंपावर करना जिसे बोलते हैं ना महिला सशक्तिकरण प्रोटेक्शन और किसानों को सुरक्षित करना ये है इसका मतलब और क्या है इसमें इसके तहत किसान किसान अपनी जमीन को किसी संस्था या कंपनी को पट्टे पर दे सकता है इस शब्द को तो आप समझते होंगे पट्टे पर दे सकता है पट्टे पर देने का क्या मतलब होता है मेरे से ज्यादा जानते हो आप मतलब आपने वो कहते हैं ना कि बटाई पर दे दी आप रखो आप तो हमें पैसे दे दो या ऐसे समझिए किराए पर दे दी ये ज्यादा शब्द सही रहेगा किसान ने अपनी जमीन एक साल के लिए या दो साल के लिए किसी संस्था को या कंपनी को किराए पर दे दी भाई आप जो जानो वो करो मुझे तो मेरा पैसा दे दो सिंपल से आई बात समझ में दूसरा क्या कर सकता है अनुबंध कर सकता है अनुबंध कर सकता है ये जो अनुबंध कर सकता है इसको आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसे बोलते हैं ना तेरे पास किसका कॉन्ट्रैक्ट आया है तेरे पास किसका कॉन्ट्रैक्ट आया है आप ऐसे समझिए जैसे आप किसान हो तो कोई कंपनी आएगी कि आप ये फसल बोइए और इसके लिए हम आपको ये टेक्नोलॉजी देंगे ये बीज देंगे आप बोइए और उसको हम आप आपसे हम खरीदेंगे और इतना पैसा हम आपको देंगे मतलब आपका यदि इतनी उपज हुई एक क्विंटल हुआ तो हम आपसे इतने में ही खरीदेंगे फिक्स हो गया पहले से ही सब चीजें फिक्स होगी किसान कितने में बेचेगा वो ही फिक्स हो गया वहां पर पैसा यदि कंपनी लगाएगी तो वो भी फिक्स हो गया सारी बातें फिक्स हो गई फसल भी फिक्स हो गई कि भाई ये फसल बेचे ये फसल यहां पर उगाई जाएगी वो सब फिक्स हो गया मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कंपनी और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ये ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे फायदा सब कुछ हो गया उसके अंदर किसानों को ये भी कह दिया गया कि आप जो फसल बोएंगे वो आप मुझे ही देना मुझे ही देना मतलब फसल आप ऐसे समझ लीजिए कि उत्पादित होने से पहले ही बिक बिक गई इसका कहने का मतलब यह है तो अनुबंध कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं इसके लिए किसान को पूर्ण रूप से कानून के तहत आजादी दी गई मंजूरी दी गई है यह ये है ये एक्ट मतलब अपनी जमीन को किसी भी संस्था को किसी कंपनी को पट्टे पर दे सकता है और उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है किसान ये सारी बातें हैं ये क्लियर हुई बात सारी तो ये तो इसके एक्ट की थीम है आपने इसका ध्यान रखना है अब देखिए और हम क्या कह सकते हैं फायदा क्या है फायदे की बात करेंगे पहले एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि इसके तहत किसान अपनी जमीन को किसी संस्था को पट्टे पर दे सकता है अनुबंध कर सकता है कौन सा किसान कौन सा किसान कर सकता है वो किसान करेगा जिसके पास पैसा नहीं है वो वहां पर खेती में इन्वेस्ट नहीं कर सकता अच्छे बीज नहीं ला सकता अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो किसान ये कर सकता है जिसके पास पूंजी कौन सा किसान जिसके पास पूंजी व तकनीक की कमी है अब हम यदि इसके फायदे की बात करें तो आप जानते हो अपने गांव में देखोगे तो कई किसान ऐसे हैं यार इसमें यदि ये, ये काम कर लेना यहां पर ट्यूबवेल लगा दूं या वो बीज ले आऊं तो मेरे को इतना फायदा हो सकता है लेकिन क्या करूं यार पैसे नहीं है यदि ऐसा होता तो मैं वो बीज लाता वो खाद डालता या मैं इसमें इस, इस तरीके से इस, इस पानी की सुविधा सिंचाई की सुविधा मैं ऐसे करता लेकिन क्या करूं मेरे पास पैसे नहीं है अब ऐसे किसानों की तादाद बहुत ज्यादा है भारत में बहुत ज्यादा तादाद बहुत अधिक संख्या में ऐसे किसान है तो उनके लिए यह फायदेमंद है अब वो क्या कर सकते हैं किसी कंपनी को कह देंगे भाई आप इस तरीके से सिंचाई सुविधा कर दो आप मुझे ये बीज ला दो किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकता है मैं फसल बोऊंगा आप मुझे इतना दे देना भाई आपका जो खर्चा लगा वो खर्चा निकाल लेना आप अपने तरीके से तो किसान क्या है टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टि से उत्पादन को बढ़ा सकता है ऑब्बियसली बात है जब उत्पादन बढ़ेगा तो देश का विकास होगा जीडीपी बढ़ेगी तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया यह कदम है तो फायदे में आप सीधा यह कह सकते हो कि खेतों में नई टेक्नोलॉजी आएगी पहला लिखिए खेतों में नई तकनीक आएगी दूसरा उपज ज्यादा होगी ऑब्वियसली बात है उपज ज्यादा होगी उत्पादन ज्यादा होगा तो देश को भी फायदा है तीसरा पूंजी की समस्या दूर होगी किसानों के पास एक नया पैसा आएगा टेक्नोलॉजी लगेगी उत्पादन ज्यादा होगा उत्पादन ज्यादा होगा तो किसानों को भी फायदा होगा तो किसानों के पास पैसा आएगा उसका इस्तेमाल किसान अपने आप कह सकते हो कि लाइफ एक्सपेंडेशन में कर सकता है जीवन प्रत्याशा में कर सकता है विकास में कर सकता है डेवलपमेंट में कर सकता है चौथा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा इसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग अब ये खाद्य प्रसंस्करण क्या है मैंने पहले बताया था बेकरी उद्योग मतलब किसी भी कृषि उत्पाद को बहुत ज्यादा समय तक रखना उसकी जो टेक्निक होती है उसका जो प्रोसेस होता है जो प्रक्रिया होती है उसे हम खाद्य प्रसंस्करण के नाम से जानते हैं फूड प्रोसेसिंग जैसे मैं कहूँ टमाटर बहुत तो अच्छा एग्जाम्पल है टमाटर है टमाटर की मियाद होती है दो दिन ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन मान लीजिए तब तक हम रख सकते हैं चार दिन मान लीजिए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रख सकते फिर या तो उसे कोल्ड स्टोर में रखना पड़ेगा लेकिन यदि हम अब कोल्ड स्टोर की बात करें तो एक तो भारत में कोल्ड स्टोर है भी कम और दूसरा क्या है कोल्ड स्टोर का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है और तीसरी बात यह भी है भाई किसान कोल्ड स्टोर कहां से लाएगा किसानों की तो अपने उपज के लिए घर में फसल रखने की जगह नहीं होती है तो किसानों के लिए पॉसिबल नहीं है मतलब मैक्सिमम कई किसानों के लिए होती भी है लेकिन वो बड़े किसान होते हैं जबकि पचहत्तर परसेंट से ज्यादा तो छोटे किसान हैं भारत में तो ये समस्या है तो कोई कंपनी जब इनके पास आएगी वो कहेगी कि भाई आप टमाटर बोइए टमाटर बोइए बात तो पहले ही हो चुकी है कि भी हम इतने में खरीदेंगे तो भावताव की भी कोई बात नहीं रही वो भी फिक्स है कि किसान को पता है भी इतने में भी बिकेगा इतना पैसा मेरे पास आएगा वो सब फिक्स होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया अब वो टमाटर बो दिए टमाटर ले लिए अब इतने सारे टमाटर का करे क्या किसान का तो चलो फायदा हो गया कंपनी क्या करेगी उस टमाटर का कंपनी उस टमाटर को रिजर्व कर सकती है कोल्ड स्टोर में खाद्य प्रसंस्करण में डाल सकती है मतलब टमाटर से सॉस बनाने बना सकती है अब जो सॉस है टमाटो सॉस है उसको तो कई दिनों तक रखा जा सकता है कई टाइम तक रखा जा सकता है आप पढ़ते नहीं सॉस लेकर आते हो एक साल तक आराम से रखा जा सकता है तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा आलू बोए तो आलू से चिप्स बनाए जा सकते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जैसे सरसों हैं सरसों से तेल को निकाल के तेल को सुरक्षित किया जा सकता है सरसों की जो खल है उसको पशुओं के लिए दिया जा सकता है उसके लिए एक अलग मार्केटिंग की जा सकती है तो कृषि के जो को प्रोडक्ट होते हैं उनको भी एक सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है तो उस दृष्टि से ये फायदेमंद है क्लियर भी तो खेतों में नई टेक्नोलॉजी अब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा नहीं है कि कंपनी को ही फायदा होगा जैसे भाई कोई कंपनी काम करेगी अपने फायदे के लिए तो करेगी इसमें तो कोई दो नहीं है लेकिन किसान को भी तो फायदा हो रहा है पिछली बात है किसान को फायदा हो रहा है तो किसान के पास पैसा आ रहा है क्लियर तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो तीसरा लिखिए हालांकि तीसरा अधिनियम नहीं है उसमें संशोधन किया गया था आवश्यक वस्तु अधिनियम उन्नीस में संशोधन इसमें संशोधन किया गया है 2020 में एक एक्ट था जो 1955 में बना था आवश्यक वस्तु अधिनियम इसके तहत सरकार क्या करती थी आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल करती थी किसानों के संबंध में क्या डिसीजन लिया है पहले मैं उसकी बात करूंगा फिर एक करंट है बहुत महत्वपूर्ण उस पर भी चर्चा करूंगा इसके तहत कृषि उत्पादों में कुछ वस्तुओं को कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है आइए सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये कुछ वस्तु कौन कौन सी है कुछ वस्तु कौन सी है ध्यान रखना ये है जैसे अनाज खाद्य तेल तिलहन दाल प्याज आलू आप ये कह सकते हो कि अनाज हो गया खाद्य तेल हो गया तिलहन हो गया दाल हो गई प्याज हो गया आलू हो गया उनको आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा क्या होगा क्या होगा इससे सरकार इनके बाजार भाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार इनके बाजार भाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी अब समझे इसका मतलब जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की किसान ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कंपनी के साथ तो उसने आलू खरीद लिए आलू खरीद लिए तो आलू का मूल्य कितना रखा जाएगा यह वो कंपनी तय करेगी सरकार तय नहीं करेगी क्योंकि आलू आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है क्लियर हुई बात सारी तो कंपनी डिसाइड करेगी कि बाजार उसका भाव कितना हो ब्रेक में लिख दीजिए अर्थात कंपनी या संस्था मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है जो कंपनी जिसने खेत लिया है किसान का डिसाइड करेगी कि भाव कितना हो किन पर इन पर अनाज खाद्य तेल तिलहन दाल प्याज आलू अब ये क्या है मध्यम वर्गीय परिवार की एक रिक्वायरमेंट होती है तो यहां पर वो प्रभाव डाल सकते हैं आप ये भी कह सकते हो कि स्टोक सीमा समाप्त कर दी जाती है एक पहला ये लिख दीजिए दूसरा स्टोक सीमा समाप्त स्टोक सीमा समाप्त लेकिन यहां पर आगे एक बात कही भी गई है विशेष परिस्थितियों को छोड़कर विशेष परिस्थितियां क्या होती है आप कह सकते हो जैसे आपदा आ गई कोई सुनामी भूकंप आ गया इस तरीके से कोई आपदा आ गई अकाल पड़ गया तो वो विशेष परिस्थितियां होती है आपदा के समय डिजास्टर के समय क्लियर तो उनको छोड़कर स्टोक सीमा समाप्त कर दी गई है कहने का मतलब यह है कि स्टोक आप रख सकते हो जैसे किसी कंपनी ने किसी खेत के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तो वहां पर उसने आलू पैदा कर लिए या दाल पैदा कर ली या प्याज पैदा करवा लिए तो उन आलू और प्याज को वो स्टोक में रख सकता है अब देखिए स्टोक में यदि वो रख सकता है पहले ये सीमा नहीं थी भाई इतना ही आप स्टोक कर सकते हो अब ये स्टोक में रख सकता है तो बाजार अब उसके नियंत्रण में है अब यदि वो अपना स्टॉक नहीं खोलेगा इसका मतलब मार्केट में क्या हो जाएगी सप्लाई कम होगी सप्लाई कम होगी तो मांग क्या होगी ज्यादा होगी और मांग ज्यादा होगी तो उस वस्तु की कीमत क्या होगी ज्यादा होगी तो बाजार में जो महंगाई का जो कंट्रोल है वो उन कंपनियों या संस्थाओं के पास चला जाएगा सरकार के पास नहीं रहेगा और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है तो इसका ये नुकसान है सबसे बड़ा और यदि हम इसके फायदे की बात करें भाई फायदा क्या होगा वस्तुएं खुले बाजार में जाएगी मतलब ओपन मार्केट में जाएगी सीधी आएगी वस्तुएं अब बात यही है कि यदि ये कंपनियां अपने मार्केट में सारा सामान लेकर आ जाती है तो तो देखिए सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो कीमतें कम हो जाएगी लेकिन कंपनियां ऐसा करें ये थोड़ा संशय का विषय है भाई जैसे मान लीजिए मैंने कोई फसल खरीदी है तो मैं इंतजार करूंगा ना कि मार्केट में उसकी कमी कब हो तभी तो लाऊंगा उसको मैं मार्केट में यदि आलू ही आलू आ रहे हैं तो मैं आलू को क्यों निकालूंगा क्योंकि तब तो सस्ता बिक रहा है मैं सोचूंगा एक बार मार्केट में कमी आने दो कमी लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसको रिजर्व करना पड़ेगा स्टोर करना पड़ेगा इस कारण से यह बहुत नुकसानदायक है हालांकि फायदे में वस्तुएं खुले बाजार में जाएगी खुले बाजार में जाएगी तो क्या होगा सप्लाई ज्यादा होगी सप्लाई ज्यादा होगी तो आप मान के चलिए मांग कम हो जाएगी कीमत कम हो जाएगी यह भी आप कह सकते हो लेकिन ऐसा आप एक प्रैक्टिकली सोचें तो थोड़ा कम देखने को मिलेगा यह राइट्स नहीं देना चाहिए था खैर जो भी है अब देखिए जब वस्तुएं खुले बाजार में जाएगी तो यहां भी क्या है फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा कैसे मिलेगा फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा अब आप देखिए यदि मार्केट में टमाटर ज़्यादा आएंगे आलू ज़्यादा आएंगे तो उसको संरक्षण के लिए फूड प्रोसेसिंग तो करना पड़ेगा ना भाई उसको टमाटर से सॉस बनाना पड़ेगा आलू से चिप्स बनाना पड़ेगा तो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिल जाएगा बेकरी उद्योग को जंप मिलेगा इसके अंदर ये है और नुकसान में नुकसान में यह है कि यदि इन्होंने स्टॉक कर लिया क्योंकि स्टॉक रखने का अधिकार इनके पास है यदि इन्होंने स्टॉक कर लिया और मार्केट में वस्तु नहीं आई तो सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी तो मांग ज्यादा मांग ज्यादा हो जाएगी तो महंगाई ज्यादा हो जाएगी कीमत ज्यादा हो जाएगी यह है इसका पूरा सार आवश्यक वस्तु अधिनियम में तो आप यह बात ध्यान रखना कि इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है अब कुछ वस्तुएं इसके अंदर शामिल की है शायद जून 2020 में शामिल की थी मैं उनकी बात करना चाह रहा हूं कृषि से संबंधित कोई नहीं है लेकिन एक करंट है यहां पर एक छोटा सा नोट डाल के लिखिए। जून 2020 में कोविड 19 के चलते सरकार ने निम्न वस्तुओं को आवश्यक वस्तु श्रेणी में शामिल किया निम्न वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किया अब देखिए यदि हम आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल कर लेते हैं तो क्या फायदा होगा पहले तो वस्तुएं कौन सी है उनकी बात कर लेता हूं जैसे मास्क कौन कौन से मास्क बाकायदा नाम भी दिए गए हैं टू प्लाई वे थ्री प्लाई मास्क एक तो ये है और एक इसमें एन 95 फाइव मास्क टू प्लाई और थ्री प्लाई सर्जिकल मास्क और एन 95 फाइव मास्क दो प्लाई के तीन प्लाई के और दूसरा है हैं हैंड सैनिटाइजर सैनिटाइजर आप समझते ही हो मिलते हैं मार्केट में उनको क्या किया आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल किया अब देखिए इससे क्या होगा भाई किसी वस्तु को यदि हम आवश्यक वस्तु में शामिल कर लेते हैं तो क्या होगा देखिए समझने की बात है यहां आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर निकाल दिया तो क्या हुआ <गेगेगे> यह हो गया क्लियर और यदि शामिल कर दिया तो इसका उल्टा हो जाएगा क्लियर भाई आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर निकाल दिया तो यह प्रभाव हुए अब मैं कह दूं कि आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल कर दिया तो क्या प्रभाव होगा सरकार इनके बाजार भाव में हस्तक्षेप कर सकती है तभी आपने देखा होगा ना बीच में क्या उठा था मास्क महंगे मिलने लग गए थे डेढ़ सौ डेढ़ सौ रुपए का मास्क और लागत कुछ नहीं तो सरकार ने कहा नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा मास्क तो जरूरी है तो उनका एक मूल्य निर्धारित किया गया तो एक लाइन लिखिए इससे क्या होगा उल्टा कर दीजिए उसका इसलिए मैंने पहले वो बताया था कि आप समझ सको सरकार इनके बाजार भाव में हस्तक्षेप कर सकती है इंटरफेयर कर सकती है हस्तक्षेप कर सकती है इनके लिए कानून बना सकती है इसका मतलब यह होता है मतलब सरकार के अंडर में आ गया आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल हो गया तो सरकार कानून भी बना सकती है एक बात और लिख दीजिए सरकार कानून बना सकती है अब देखिए यहां पर क्या होगा जब कंपनियों कंपनियां ये डिसाइड करेगी भाव कितना हो तो भाव के संबंध में उस कृषि उत्पाद की कीमत के संबंध में अब सरकार कीमत नहीं बना सरकार कोई कानून नहीं बना सकती क्यों नहीं बना सकती क्योंकि आवश्यक वस्तु की श्रेणी से उसको बाहर निकाल दिया गया है भी बात सारी कीमतें क्या होगी मार्केट में कितना सप्लाई करना है कितना स्टॉक रखना है सरकार कुछ नहीं करेगी वो कंपनी ही करेगी कंपनी को राइट्स दे दिया गया और इधर क्या है यदि आवश्यक वस्तु में शामिल कर लिया तो बाजार भाव के मामले में सरकार इंटरफेयर कर सकती है भी आप इतना नहीं लगा सकते इसमें नहीं कर सकती इसमें यदि आलू का कंपनी रेट डिसाइड करेगी सरकार कभी यह नहीं कह सकती कि आपने आलू इतना महंगा कैसे लगा लिया इसमें कह सकती है इन दोनों को कंपेरिजन कंपेरिजन करके पढ़ना आपने सरकार कानून बना सकती है बिल्कुल आपके सामने लेटेस्ट एग्जाम्पल है राजस्थान बना मास्क पहनने वाला मास्क पहनना पड़ेगा इस तरीके का कानून बनाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है इस संदर्भ में आप देख सकते हो इसे आवश्यक वस्तु में शामिल कर दिया तो उसके लिए सरकार ने कानून बना दिया कि आपको मास्क पहनना अनिवार्य है पहनना पड़ेगा सार्वजनिक स्थान पर जाते हो सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हो ऑफिस में जाते हो आपका सार्वजनिक व्हीकल में जाते हो निजी व्हीकल में जाते हो सब में मास्क पहनना अनिवार्य है तो सरकार ने यह कानून कैसे बनाया आप कह सकते हो अभिव्य मेरी तो स्वतंत्रता के अधिकार कानून हो गया आप कह सकते हो लेकिन नहीं क्यों नहीं कह सकते क्योंकि मास्क को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है अब आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल कर दिया गया तो क्या हो गया हो ये गया कि एक तो उसकी कीमत आप ज्यादा नहीं लगा सकते यदि आप कीमत ज्यादा लगाओगे तो सरकार आ जाएगी सरकार इंटरफेयर करेगी इतना नहीं लगा सकते आप दूसरा उसके संबंध में आप कानून बना सकते हो यह सरकार के पास राइट चला गया क्लियर तो आवश्यक वस्तु के बारे में मुझे लगता है कि आप भली भांति जान गए होंगे दो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए तो दोस्तों आज हमने कर्ण जी के तहत कृषि विपणन से संबंधित जो नए कानून बने थे उस पर हमने चर्चा की कई दिनों से या मैं कहूं कि कई महीनों से बच्चों की ये मांग थी कि ये टॉपिक मैं उपलब्ध करवाऊं लेकिन दोस्तों कोई भी टॉपिक कब उपलब्ध करवाया जाए मेरा ऐसा मानना है कि ये अधिकार आप टीचर को ही दे दो तो ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि सही मायने में जो टीचर है वही ये डिसाइड कर सकता है कि स्टूडेंट को इसे कब उपलब्ध करवाना है सबसे तेज हम हमसे बढ़कर कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सब समान है सब अच्छे हैं और सब अपने मुकाम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं बस बात वही होती है किसी की नीतियाँ कैसी होती है और किसी की नीतियाँ कैसी होती है सबकी नीतियाँ अलग अलग होती है आज़ादी के चरण को भी देख लीजिए आप आज़ादी में कई गर्म दल के थे कई नरम दल के थे और कई बीच के थे तो ये सब अपने विचारों की विभिन्नताएं होती है मैं इस टॉपिक का इकोनॉमिक्स में इंतजार कर रहा था उसी इंतजार के तहत ये थोड़ा वक्त लगा ताकि कुछ नई चीज़ें भी हमारे सामने आ जाए और हम उसको कर सकें तो दोस्तों इन एक्ट को इन कानूनों को मैं चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें तो इजाजत दीजिए आप सभी को मेरा नमस्कार